गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग सर. बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हम क्यों यूज करते हैं? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का बेटा मेन मोटिव ये है कि इन द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हमारे पास रिएक्शंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है. किससे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से. याद है हम पढ़ते थे इनडिटर्मिनेसी निकालते थे. yes, तो इनडिटर्मिनेसी से क्या पता चलता था कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये डिटर्मिनेट है या नहीं है. तो अगर हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है तो उस केस में अगर हमें किसी भी पॉइंट की स्लोप निकालनी है, स्लोप मतलब कि वो बीम कितना एंगल से झुक जा रही है, एंगल ही तो होता है ना स्लोप, कितने एंगल से बीम हमारी झुक रही है या कितना mm डिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है, इस बात का पता करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. ठीक है, तो इस वाले मेथड के बारे में बेटा पहले जानने के लिए ना हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर सपोर्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, सपोर्ट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं आप लोग बताओ. तीन तरीके. कौन कौन से होते हैं? थ्री टाइप सपोर्ट्स. कौन कौन से? हिंज. नहीं, शुरू से कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं रोलर सपोर्ट. रोलर सपोर्ट. रोलर, इसको दो तरीके से बनाते हैं ना. यस सर. रोलर, रोलर और हिंज और फिक्स. ठीक है, अब जरा बेटा इन तीनों सपोर्ट्स के बारे में हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे कि ये क्या चीज अलाउ करते हैं क्या चीज नहीं करते. ठीक है, जैसे बेटा मैंने तुम्हें पिछली बार भी समझा रखा है, रोलर सपोर्ट एक तरह की बॉल की तरह होता है. ठीक है, जैसे क्रिकेट में बॉल खेलते हैं ना, जिस तरीके की बॉल से, वो एक तरीके की बॉल है लेकिन टू डायमेंशनल. ठीक है, किसमें है? टू डायमेंशनल, टू डी में. तो वो हमको एक ऐसे गोल गोल चक्कर टाइप का एक राउंड ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा है? ये गोल गोल है. और इसके ऊपर हमने क्या करते हैं, हम ये बीम है हमारा, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्या है, बीम है, और ये क्या है? सपोर्ट है. कौन सा सपोर्ट है? रोलर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारा टू डायमेंशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बीम है, ये टू डायमेंशन में क्या क्या काम कर सकती है? ये या तो आगे पीछे जा सकती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या कोई तीसरा काम कर सकती है? नो सर. कर सकती है. क्या कर सकती है? हाँ, क्या कैसे करेगी सर? ये रोटेट कर सकती है ना. कोई भी बॉडी 2D में सिर्फ तीन काम कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, या फिर अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकता है. रोटेट का हम टेक्निकल टर्म कौन सा यूज करते हैं यहाँ पर? मूवमेंट. ठीक है, रोटेट कब होगी? जब उस बॉडी में मूवमेंट आए, है ना. आ रही है ना बात समझ में? चलो, तो अब ये बीम है बेटा हमारी, और ये हमारा क्या है? सपोर्ट है. तो अब मैं इसको ना वाई डायरेक्शन में, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन. मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसको नीचे पुश करने की कोशिश करता हूँ, पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या ये सपोर्ट नीचे जाने दे रहा है इसे? नहीं. क्या ये सपोर्ट इसको नीचे जाने दे रहा है? नो सर. नहीं जाने दे रहा ना. नो सर. इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट जो है वो बीम को रोक रहा है, तभी तो नहीं जाने दिया, रोक रहा है ना. रोकते कैसे हैं? अपनी तरफ से किसी तरह का फोर्स लगा. तो जरा वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में रोलर सपोर्ट के बारे में हमने क्या देखा कि ये किसी तरह का फोर्स लगाता है, लगा रहा है ना. तो हमने इस पर कुछ नहीं किया, हमने इस पर क्या किया? टिक कर दिया कि हाँ सर, वर्टिकल डायरेक्शन में ये एक फोर्स एग्जर्ट करता है. याद है ना ये वाला टॉपिक? पक्की बात है, समझ में आ रहा है ना? टेंशन वाली बात नहीं है. वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अमन समझ में आया ना? ठीक है. दूसरी चीज, वर्टिकल डायरेक्शन में हिला के देख ली भी नहीं हिली. अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये जब बीम आगे पीछे मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ बीम के ऊपर, तो क्या रोलर सपोर्ट इसको रोक रहा है? नो सर. क्या रोका? नो. ये हिल रही है ना बीम. yes, इसने अपनी तरफ से कोई रोकने की कोशिश नहीं करी, यानी कि अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाया, है ना. अगर रोकता तो फोर्स लगाता, इसका मतलब क्या है कि इसने किसी भी तरह का फोर्स एग्जर्ट नहीं किया. आई ना बात समझ में? तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसने किया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं. पक्की बात है ना? यस सर. तो मैंने इस पर लगा दिया क्रॉस कि सर इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे किसी भी तरह का बैरियर दे दिया. वर्टिकल ये था, तो हॉरिजॉन्टल में इधर लिखता हूं. हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए देखा हमने क्या किया, इसने फोर्स नहीं लगाया. तीसरी चीज के बारे में बेटा हम बात कर रहे थे, किसके बारे में? रोटेशन के बारे में. रोटेशन, या फिर हम इसको अभी टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कि मूवमेंट की वजह से हमारा क्या होता है? रोटेशन. किसकी वजह से होता है? मूवमेंट की वजह से रोटेशन होता है. अब उसी तरह से ये बीम है और ये इसके ऊपर रखी हुई है,
अब ये मैं इसको गोल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या रोलर सपोर्ट इसको रोकने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा ना। इसका मतलब क्या है? क्या इसने अपनी तरफ से कोई मूवमेंट जनरेट किया? नो सर, नहीं किया। इसने किसी भी तरह से इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो मूवमेंट जीरो जीरो, ठीक है सर। और आखिरी चीज हम इसमें क्या देखते हैं? स्लोप। क्या देखते हैं? स्लोप। स्लोप का मतलब मैंने क्या बताया? एंगल। क्या बताया? एंगल। अब सिंपल सी बात है, अगर इसने इसको घूमने से रोकने की कोशिश नहीं की है, तो ये बीम का मतलब क्या है कि ये जो बीम है ये किसी भी एंगल पर रोटेट हो सकती है ना। पक्की बात है ना। अगर रोटेट हो सकती है तो इसका मतलब कोई ना कोई एंगल ये जनरेट कर सकती है। पक्की बात है ना। तो ठीक, तो ये वाली बात ध्यान रखें बेटा सारे, कि इसमें ना स्लोप की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाती है। स्लोप का मतलब क्या है? एंगल। एंगल हमें कोई ना कोई मिल जाता है। किसमें मिलता है? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट समझ में आया पूरा? यस सर। ये वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी तरफ से फोर्स लगाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगाता, मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता, और स्लोप कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। ठीक है, आई ना बात समझ में? दूसरे तरह का सपोर्ट बेटा मैंने बताया था आपको, हिंज सपोर्ट होता है बेटा। जैसे ये कॉपी है ना, समझाया मैंने, ये कॉपी है, ये कॉपी का जो वर्टिकल वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ कि ये क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट। और जो ये वाला पोर्शन है हॉरिजॉन्टल वाला, इसको क्या मान लेता हूँ मैं? ये बीम है। ठीक है, फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा जगह देखते हैं? वर्टिकल। तो मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ बीम को। ये मूव कर रही है? नहीं कर रही ना। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी तरह का कोई भी फोर्स, मतलब वो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब इसने क्या किया? वर्टिकल डायरेक्शन में इसने अपनी तरफ से एक फोर्स लगाया। इसने मूव नहीं करने दिया। इसने मूव नहीं करने दिया का मतलब क्या है कि इसने अपनी तरफ से कोई ना कोई फोर्स लगाया, रोका उसे, है ना। अगर फोर्स नहीं लगाता तो फिर ये तो बीम चली जाती ना। उसने अपनी तरफ से फोर्स लगाया और रोका बीम को। ठीक है, ये वाली बात आई समझ में? साहू आ रही है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बेटा ये सारी चीजें समझ में आना, फिजिकल मीनिंग समझ में आना ना इम्पोर्टेंट है। अगर पहले भी आ चुका है तो दोबारा समझ लो, और नहीं आता है तो अभी भी समझ सकते हो, अच्छा मौका है। ठीक है, दूसरा कौन सा जगह होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली होती है ना, मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। तो क्या ये सपोर्ट जाने दे रहा है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं जाने दे रहा ना। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये अपनी तरफ से कोई ना कोई फोर्स जनरेट कर रहा है। तो ये हमारा टिक लगा दिया। सारे टिक करेक्ट, सब समझ में आ रहे हैं ना अभी तक? सर। और आखिरी चीज क्या होती है? रोटेशन। अब मैं इस बीम को ऐसे करके घुमाने की कोशिश करता हूँ, क्या इस सपोर्ट ने रोका? नहीं रोका। नहीं रोका, पक्की बात है ना। तो ये इसको रोटेट करने दे रहा है? यस सर। ये रोटेट करने दे रहा है, तो क्या ये अपनी तरफ से कोई फोर्स लगा रहा है या कोई मूवमेंट लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। तो हमने इसमें क्या कर दिया कि सर ये किसी भी तरह का मूवमेंट जनरेट नहीं कर रहा, पक्की बात है। और आखिरी फिर चीज मुझे आप लोग बताओ कि क्या स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ जनरेट होगी? स्लोप, स्लोप मतलब एंगल। क्या एंगल बनेगा अमन? बनेगा। क्यों नहीं बनेगा एंगल? मूवमेंट अलाउ। ये गोल गोल घूम रही है ना। बनेगा। ये गोल गोल घूम रही है। ये अभी ऐसे 90 डिग्री पर थी, ये सोचो, लेकिन अगर ये घूम रही है तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या कोई ना कोई तो एंगल बना ना? यस सर। कोई ना कोई तो एंगल क्रिएट हुआ। तो इसमें क्या होता है सर, जो एंगल है या स्लोप है वो किसी ना किसी तरह का क्रिएट होता है। ठीक है, स्लोप की जगह मैं ऐसे करके इसको थीटा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं अपन? थीटा। यहाँ तक आया। और आखिरी हमारा क्या होता है बेटा? आखिरी होता है हमारा फिक्स सपोर्ट। क्या होता है? फिक्स सपोर्ट। मैंने ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, अब मैंने इस बीम को ऐसे पकड़ा हुआ है। पहला वाला फोर्स कौन सा? वर्टिकल। अब मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, अरे ये तो बीम ही टूट रही है, क्यों टूट गई? ठीक है, तो अब नहीं टूटेगी, उम्मीद करते हैं। ये बीम है, इसको मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बीम नीचे जाने की कोशिश कर, नीचे जा पा रही है? नो सर। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट ने रोक के रखा है। yes, sir. रोक के रखा है मतलब किसी तरह का फोर्स जनरेट किया है, yes, है ना। yes, sir. यहाँ पर क्या लगाऊं? yes, राइट टिक, टिक लगाया। yes, बढ़िया है। yes, sir. दूसरा कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ये मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, पर दोबारा फिक्स सपोर्ट है ये। और ये मैं इस बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। yes, क्या ये बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रही है? no, sir. नहीं हो रही ना। no, sir.
टॉप इसने right. एक तरह का फोर्स जनरेट किया. सिंपल है ना? सिंपल है. और आखिरी चीज क्या? रोटेट. मैं उसको ऐसे गोल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीम घूम रही है? नहीं घूम रही. अगर बीम नहीं घूम रही इसका मतलब क्या है? किसी तरह का मूवमेंट क्रिएट हुआ है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? इसने अपनी तरफ से उसको घूमने से रोका. और आखिरी चीज क्या है? स्लो. क्या इसमें किसी भी तरह का, अगर ये बीम घूम नहीं रही है तो क्या ये कोई एंगल बना पाएगी? नहीं, नहीं. क्या यहाँ पर कोई भी स्लोप जनरेट होगा? नो सर. नहीं. तो इस वाले केस में जो स्लोप की वैल्यू है वो जीरो. मैंने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसा कौन सा सपोर्ट होता है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू जीरो बनती है, याद है? यस सर. पूछा था ना. अब आंसर क्या है उसका? फिक्स सपोर्ट. ठीक है ना? दिखाई दे रही है पूरी टेबल कैसे बनाई है? सिंपल है. ठीक है. ये हमने बनाई क्यों है? जिससे कि हमें ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि सर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला सपोर्ट मूवमेंट को जीरो करता है और कौन सा वाला सपोर्ट स्लोप को जीरो करता है. ठीक है? ये मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें आता होगा, लेकिन ये वाली बात बतानी जरूरी थी. ठीक है? कर लो जो कर रहे हो, लिख लो. पहले लिख लिया? आगे चले. आगे काम करते ना, किसी भी तरह की एक बीम पकड़ते हैं, एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है? एग्जांपल के साथ करते चले ना. आता है ना तुम लोगों को? कर पाओगे ना? साथ में करोगे? सर आया हूं तो. सर बता बता. सर फ्रीडम डिग्री और सर इसका रिलेशन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का और इसका. डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कुछ भी नहीं होती, वो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में बात करते हैं उसमें. ठीक है? डिग्री जैसे कि एक तरह का होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और एक होती है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? चलती हुई चीज नहीं, रुकी हुई चीज. और काइनेमेटिक का क्या मतलब होता है? चलती हुई चीज. यानी कि सिर्फ इतनी सी बात है कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में बात करेंगे तो वो वाले फोर्सेस देखेंगे जो जो किसी चीज को रोक रहे हैं. स्टैटिक का मतलब रोकना. yes, तो जो भी उस बीम को रोक रहा है उन फोर्सेस के बारे में लेके चलेंगे तो वो हो जाती है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. ठीक है? yes. किसी भी सपोर्ट की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? सर इसको एक रोकने की कोशिश करता है तो इस सपोर्ट की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक है, हिंज की दो है और फिक्स के तीन. ठीक है? yes. कि इस पे तीन फोर्स लगते हैं, इस पे दो तरीके के लगते हैं, इस पे एक ही तरीके का लगता है. और अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक के बारे में बात करें तो उसका मतलब क्या है कि ये कितने हिस्सों में इसने अलाउ कर दिया जाना, तो ये कितनी जगह अलाउ करता है? हॉरिजॉन्टल में और रोटेशन में. तो इसके दो हो गए. इसके कितनी जगह अलाउ किया इसने? एक जगह. और इसने कहाँ अलाउ किया? कहीं. ठीक है? अब आया ना डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस तरह से अपन इससे कंसिडर कर लेते हैं और पता कर लेते हैं. वो क्वेश्चन आगे होता है उसमें भी पता करते हैं कि कितनी जगह अलाउ होता है, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, है ना? इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का तो क्वेश्चन कर रखे हैं, है ना? सिंपल है. क्वेश्चन कोई ना कोई क्रिएट करें, क्वेश्चन बनाएं. यस सर. ये तुम्हारे दिमाग में है कोई क्वेश्चन तो मुझसे बता दो. दिख रहा है सबको? यस सर. तो और चेंज कर देंगे. सही है. फ्रेम फ्रेम वाला समझा देना. हाँ फ्रेम वाला समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं. पहले बीम वाला समझ लो. क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है ना? पहले नोट कर लो सारे क्वेश्चन. तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कर रहे हैं ना हम? यस सर. कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है? बताओ बताओ बताओ. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन किसको पता है? स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पढ़ते हैं ना अपन. yes. करी है, पेपर में भी पूछी है. yes, राइट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. तो वो कौन सी थी? एम एफ ए बी इक्वल टू
एम ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ ए बी प्लस टू ए अपॉन एल टू थीटा ए प्लस माइनस थ्री डेल अपॉन एल। तो ये बेटा जो हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन है इसे हम कहते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसका डेरिवेशन होता है बकायदा, वो आप अगली वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मुद्दा क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। किसी भी बीम के बारे में बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कोई भी एक बीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो ए से लेकर बी तक जा रही है। तो एम एफ ए बी हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स एंड मूवमेंट किसको नहीं पता क्या होता है, नहीं पता किसको पता है अश्विनी, क्या होता है फिक्स एंड मूवमेंट? सर अपनी तरफ से जो फिक्स करने के लिए कोई अपनी तरफ से जो फोर्स लगाता है पहले सर उसको बोलते हैं। यानी कि बेटा किसी भी तरह का सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड है या किसी भी तरह का दूसरा सपोर्ट है, हिंज है, रोलर है, तो वो किसी तरह का स्लोप प्रोवाइड कराता है ना, किसी ना किसी तरह का स्लोप प्रोवाइड कराता है। तो समझ में आ रही ना, जैसे कि तुमने बेटा कोई एक बीम है, बीम के ऊपर तुमने लोड लगाया, बीम नीचे से झुक गई, बीम झुक गई, झुकने का मतलब क्या है कि स्लोप फॉर्म हो गया। लेकिन उस एंगल को जीरो करने के लिए हम अपनी तरफ से किसी तरह का वो मूवमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि बेटा ये बीम थी जिस पर तुमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद क्या होगा, ये बीम जो है नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसको सपोर्ट को जो स्लोप क्रिएट हो रहा है फिक्स में और बाकी सपोर्ट में, सिर्फ क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर स्लोप जनरेट नहीं होने देता है और बाकी दोनों स्लोप जनरेट होने देती है। तो इस सपोर्ट को हमें किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, फिक्स में। तो फिक्स सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिक्स की खासियत क्या है कि स्लोप नहीं जनरेट होने देगा, नहीं होने देगा, यहाँ पर हो रहा है तो स्लोप को जनरेट होने से रोकेंगे। ये बीम नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, इसको कैसे घुमाना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ घुमा दूं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा और इसको कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये जो मूवमेंट मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ ना, इस स्लोप को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इस स्लोप को काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं जो अपनी तरफ से मूवमेंट लगा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स एंड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि फिर उसके बाद जो एंड है वो एक फिक्स सपोर्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। आई ना, सिंपल है। फिक्स्ड एंड ही नाम क्यों दिया, मतलब कोई बीम अगर एंगल क्रिएट करती है तो उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए लगाए गए, अपने द्वारा नहीं, मतलब अपने आप, जो अगर फिक्स होता तो कितना मूवमेंट जनरेट करता। तो इसकी जगह से ये अभी जैसे हिंज होता फिर हम ये मानते हैं कि अगर बीम सिंपली सपोर्टेड होगी उसकी तरह बनाते हैं और फिर एंड में उन दोनों बीम्स को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, उससे हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? तो इसमें क्या है, फिक्स सपोर्ट मानकर हम ये बात जानते हैं कि अगर फिक्स सपोर्ट होते तो कितना मूवमेंट जनरेट करता, ठीक है। और फिर ये जो थीटा है ना, ये बाकी का चीज़ है, उसको सोच समझ लेंगे। अगर एक्चुअली में पहले भी फिक्स होगा तो स्लोप भी नहीं जनरेट होने देगा, स्लोप की वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगी। और अगर स्लोप नहीं होगा, मतलब अगर फिक्स नहीं होगा तो अपने आप स्लोप की कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करेगी, ठीक है। जो हमारा थीटा ए है, 2EI upon L, E समझ में आ रहा है, modulus of elasticity, I, moment of inertia, L, length of beam, पूरे beam का length मानना, आधा पाधा मत मानना, total length of beam, theta A का मतलब slope, जो A point पर, जो पहला point है, उस पर कौन सा slope बन रहा है, और theta B मतलब जो B point है, सामने वाला जो point है, उस पर कितना slope बन रहा है, minus 3 delta upon L, L समझ में आ रहा है, delta क्या होता है, डेल्टा होता है हमारा सिंक। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है कि जो बी सपोर्ट है वो 5 mm से सिंक कर रहा है या 3 mm से सिंक कर रहा है या 18 mm से सिंक कर रहा है, किसी भी वैल्यू से वो सिंक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक पॉइंट के रिलेशन में दूसरा वाला पॉइंट कितना नीचे की तरफ है
या कितना ऊपर की तरफ है, वो वैल्यू हमारी क्या है, डेल्टा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, अगर ये जो सपोर्ट है ये हल्का सा नीचे जा सकता था तो बीम हमारी कैसे हो जाती, अगर ये सोचा कि ये ना इतना नीचे आ जाता तो हमारी बीम इस तरह से बनती ना। Yes, sir. बीम इस तरह से बनती, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, तो हमारी जो बीम थी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती, फिर जो फोर्सेस थे वो थोड़े से टेढ़े लग जाते, फोर्सेस वर्टिकल रहते नहीं बीम पर, है ना, वो भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते बीम टेढ़े होने की वजह से, है ना। तो थोड़ा सा ना उसमें मूवमेंट में थोड़ा सा वैल्यू चेंज आता है, उसका भी हम यहाँ पर एक फैक्टर लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो दे नहीं रखा हमने, नहीं दे रखा ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? डेल्टा की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे, है ना, आ रही ना बात समझ में? तो ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप है सर हमें कैसे भी करके सारे के सारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यूज पता करनी होगी, ठीक है। मैं उसको रब कर रहा हूँ, फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू लिखते हैं, इसको हटा दूं ना सर। राइटिंग घटिया है बेटा, तो उस हिसाब से करते चलो, मार्कर के लिए ऐसे दिक्कत है तुम्हें। स्टेप वन, पहला स्टेप क्या है हमारा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, जैसे कि देखो शशांक सर जो है तुम्हारे, वो क्या करते हैं, वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एफ ई बी लिखते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी YouTube वीडियो पे आप जाते हो इधर उधर, या कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है, या कहीं बढ़िया जगह जाते हो बहुत होशियार लोगों के पास, एम बार भी तो वो उसको एम बार भी कह सकते हैं। तो ऐसे मत कहना, लड़ाई करने मत आना सर, आपने तो एम एफ ए भी बताया था आए थे मेरे पास, तो मुझे मालूम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एम बार ए बी भी वही चीज़ है और एम एफ ए बी भी वही चीज़ है, जबरदस्ती का वो मत लेना, लोड मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, एम एम ए बी इस वाली बीम के लिए किस तरह का सपोर्ट है, अरे सपोर्ट सॉरी, किस तरह का लोड है, यूडीएल है, है ना। अभी सिर्फ ए से बी तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा है, यूडीएल है। यूडीएल के लिए किस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, माइनस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय माइनस, पीछे से देखने का फायदा ही नहीं है, तुम्हें याद होनी चाहिए ये वाली वैल्यूज, तो जो टेबल बनवाई है वो तो टेबल की सारी वैल्यूज तुम्हें रट जानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और सिंपली सपोर्टेड के वो अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो उसके लिए क्या होता है, पॉइंट लोड, हाँ, उसके लिए डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, हमेशा रट लो, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल मत करना, एल स्क्वायर होता है। जो बच्चे भी एल करके आएंगे उनका क्वेश्चन गलत, माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, एंटीक्लॉकवाइज कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट तो एंटीक्लॉकवाइज, हमने बताया ना कि जो पहला वाला है देखो यूडीएल लगी सर, क्लॉकवाइज शो कर रहा है सर, ये नहीं एंटीक्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज मतलब सर वो ही शो कर रहा है ना, पहला में तो माइनस नहीं लगा सकते ना, मतलब प्रोग्रेशन करने के बाद जब करेंगे ना माइनस से, माइनस लगाना है, एंटीक्लॉकवाइज नहीं, इसको एक काम करो तुम माइनस लगाओ ही मत, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो कि सर ये आ रहा है हमारा एंटीक्लॉकवाइज, कैसा आ रहा है, डरने की बात ही नहीं, जबरदस्ती लड़वाई की बात ही नहीं, है ना, ये कैसा आ रहा है एंटीक्लॉकवाइज, ये तो समझ में आ रहा है ना सर, जब ये बीम नीचे की तरफ जा रही है तो अपन को, तो ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, इसको रोकने के लिए हमने बताया ना कि जो ए से बी तक का मूवमेंट लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा एंटीक्लॉकवाइज, और जो इधर की तरफ लगाना पड़ेगा वो कैसा लगाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो जो हमारा किसी भी बीम में बात करते हैं 80% केस में, 80% केस में क्या हो जाता है कि जो पहला वाला मूवमेंट है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगा देते हैं, और जो दूसरा वाला मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज। एक ऐसा बेटा वो आ जाता है कि अगर सेंटर में मूवमेंट क्रिएट पहले से हो, अगर ये बीम में पहले से यूडीएल नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं है, यूवीएल नहीं है, यानी कि बीम नीचे की तरफ पूरी नहीं जा रही, इस वाले केस में बीम को नीचे से बीच में से घुमा रहे हैं, तो हमारी जो बीम है ना वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, दिख रहा है ना, अगर मैं बीम को बीच में से ऐसे करके मोड़ देता हूँ तो हमारी जो बीम है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। तो इस वाले केस में
इस वाले पॉइंट पर भी हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और इस वाले पर भी क्लॉकवाइज, सिर्फ उस वाली कंडीशन में जब सेंटर में कोई मूवमेंट प्रोवाइड कराया होता है ना, सिर्फ उस वाले केस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस में हमारा जो पहला पॉइंट मिलेगा वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा और दूसरा वाला जो सपोर्ट मिलेगा उस पर क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही चलता है, पहला एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 और एल की वैल्यू वो भी 6 है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। इसको सॉल्व करो, ये किस में आई है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज में आई है। और हम ये वाली चीज ना ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से और जो क्लॉकवाइज है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्लस से। तो सर इसलिए तो बायस आ गया था। ये वाली चीज है ना, क्या है ना, अच्छी लगती है पेपर में दिखती हुई, अगर कॉपी में इस तरह से स्पेशली दिख के आओगे ना तो ये अच्छा लगे। अगर तुम अपनी तरफ से अज्यूम कर लिए तो टीचर को तो क्या है मालूम है, क्वेश्चन करना जानता है वो, ठीक है, तो उसको तो मालूम है कि ठीक है तुमने नेगेटिव लिया है तो क्यों लिया है। लेकिन अगर तुम ये वाली चीज़ सामने स्पेसिफाई करोगे ना तो टीचर भी खुश हो जाएगा, टीचर कहेगा कि हाँ तुम्हें पता है कि कोई भी चीज़ तुमने नेगेटिव लिखी है तो क्यों लिखी है और पॉजिटिव लिखी है तो क्यों लिखी है, रट के नहीं आए, ठीक है, आई ना बात समझ में। तो ये हमारा हम किस में बताएंगे सर, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो ये हमारा आया माइनस का 80 किलो न्यूटन पर मीटर, नहीं मीटर, पर मीटर का मतलब हो जाता नीचे डिनोमिनेटर में, मीटर बोलते हैं, किलो न्यूटन मीटर, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, सेम टू सेम बेटा, एम एफ ए बी हो गया, अब एम एफ बी ए बताओ कितना हुआ, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 क्लॉकवाइज, है ना, तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी प्लस का 18, सिंपल है। ये ए बी बीम कंप्लीट हो गई, अब हम कौन सी बीम पर जाएंगे, बी सी, बी से सी वाली बीम तक गई, ठीक है, इसमें भी क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ, लेकिन वैल्यू चेंज है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, ये भी कैसा लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, एल की वैल्यू 4 डिवाइड बाय कितना हो गया 16 माइनस का 16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। yes, ऐसे ही एम एफ सी बी सेम आएगा बेटा, उसका वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 प्लस का 16 आएगा। अच्छा अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये 2 मीटर ये 3 मीटर और कैसा लोड है, ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का फॉर्मूला डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि 10, ए की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है, सही लिखा है ना। इसको सॉल्व आउट करो, बताओ बेटा कितनी आ रही है वैल्यू, बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, 7.2 किलोमीटर मीटर, कितना टाइम नहीं लगना चाहिए, 7.2 आ रही है ना, सही है। और फिर आखिरी पॉइंट कौन सा हमारा, एम एफ डी सी डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जो फॉर्मूले में जो चेंज होता है वो यही होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो उधर से हो जाता है बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्या हुआ ये 10 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4.8, इसको कैलकुलेट करो 4.8, सारी वैल्यूज आ गई, यस सर। इन सारी वैल्यूज को एक डिब्बे में बंद कर लेना, अपने पास रख लेना अलग से, ये वैल्यूज का शुरू से लेके अंत तक बढ़िया यूज होने वाला है, yes, है ना। ये हमारा क्या है, फिक्स्ड मूवमेंट्स आए, फिक्स्ड मूवमेंट हो गए, ठीक कर लो लिख लो, अगर लिखे नहीं है तो लिख लो, लिख लिए करते चल रहे हैं, समझ में आता चल रहा है।
अगला स्टेप कौन बताएगा, अगला स्टेप क्या हमारा? सर स्लोप डिफ्लेक्शन। अगला स्टेप क्या है? वो ये कि सर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एक बार लिखो। क्या लिखे? स्लोप डिफ्लेक्शन। और जहां जहां पर भी अभी हमने टेबल बनाई थी ना, तो हमने वहां से क्या पता किया था कि सर जो रोलर सपोर्ट है, जो हिंज सपोर्ट है, इन दोनों में तो स्लोप की कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट होती है, लेकिन जो फिक्स सपोर्ट है इनमें स्लोप की कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं होती। यानी कि हमारा बेटा क्या है, ए सपोर्ट कैसा है? फिक्स्ड। और फिक्स सपोर्ट कहीं दिख रहा है? हाँ सर, लास्ट में डी। तो ए वाले पॉइंट पर और डी वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। और बी वाले पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू जीरो होगी? नो सर, कोई ना कोई वैल्यू बी और सी पर मिलेगी। ठीक है, पक्की बात है। और इसका सेम उल्टा हो जाएगा, मूवमेंट की वैल्यू किस पर जीरो होगी? मूवमेंट की ए और डी। मूवमेंट की वैल्यू जीरो किस पर होगी? मूवमेंट की बी और सी। ये क्या सपोर्ट है? मैंने अभी अभी बेटा टेबल बनाई थी ना, टेबल में देखो, टेबल में मूवमेंट कहां कहां जीरो हो जा रहा है, हिंज पे और रोलर। तो इन दोनों सपोर्ट पर मूवमेंट की वैल्यू जीरो, इस पर मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है ए और डी पर? नहीं हो सकती। ठीक है, ए और डी पर मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, बी और सी पर मूवमेंट की वैल्यू जीरो। इसका उल्टा, ए और डी पर स्लोप की वैल्यू जीरो होगी लेकिन बी और सी पर नहीं होगी। करके देखते हैं, जबरदस्ती का कंफ्यूजन वाली बात है। इधर ही लिखता चलो, इस तरह की, इस तरफ लिखू ना, उधर का रखे लेने, उसको बाद में रफ कर लेंगे। यहाँ पर बेटा हम अगला स्टेप कर रहे हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टली ज्यादा स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन लिखे एम ए बी, ये वाली स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की बेटा, इसको पूरा का पूरा जितना रट सकते हो ना उतना रट लेना, जितना रट सकते हो उतना रट लेना। एम ए बी के बारे में लिखना शुरू करते हैं। एम ए बी के बाद क्या लिखना है? इक्वल्स टू किसके बराबर है? एम एफ ए बी। एम एफ ए बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 18 प्लस 2EI/L 2EI/6। ई और आई की वैल्यू ना बेटा अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन हो तो और भी अच्छी बात। अगर नहीं गिवन है तो इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ई और आई की वैल्यू तुम लिखे रहे, क्या होता ना ई और आई एंड में जाके कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाती है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर पेपर में ई और आई की वैल्यू गिवन भी है तो जितना देर में रखोगे उतना फ़ायदा होगा, उसको जितना एंड तक ले जाने की कोशिश करो उतना फ़ायदा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं सर ये बिना ई आई की वैल्यू रखे सॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ तब रखो। ठीक है, ठीक है। माइनस 18 प्लस 2EI/L ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? 2θA। थीटा ए की वैल्यू जीरो, यानी कि पूरा का पूरा टर्म हो गया जीरो। फिर प्लस थीटा बी, क्या थीटा बी की वैल्यू जीरो होगी? नहीं सर, नहीं। तो सर थीटा बी आएगा माइनस 3δ/L। डेल्टा मैंने क्या बताया था? जीरो। कि कितना सिंक कर रहा है, क्या यहाँ पर सिंक कर रहा है कुछ? नहीं कर रहा ना, तो डेल्टा की वैल्यू जीरो। ये ब्रैकेट हमारा यही की यही क्लोज, मैं इसको हल्का फुल्का काट दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा और अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 1/3EI/θB। ठीक है, सिंपल है। इसको ऐसे करके अंडरलाइन कर लिया हमने कि याद रखें, बाद में नहीं भूलें, इसको अच्छे से लिखना, बाद में जरूरत पड़ेगी। फिर एम बी के, ए बी की लिखी उसी तरह से बी ए की लिखेंगे, फिर बी सी की लिखेंगे, सी बी की लिखेंगे, सी डी की लिखेंगे और डी सी की लिखेंगे। ठीक है, जितने फिक्स्ड मूवमेंट की वैल्यू लिखी है उतने ही उसके सपोर्ट मूवमेंट की भी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, चलो एम बी ए, एम एफ बी ए कितना है प्लस का? 18 प्लस 2EI/L वो सेक्सी है ब्रैकेट में। अब 2θA की जगह क्या लिखा जाएगा? 2θB प्लस थीटा ए।
क्या लिखा जाएगा, टू थीटा बी प्लस थीटा ए। सिर्फ यही डिफरेंस आता है पूरी की पूरी इक्वेशन में और कहीं नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू थीटा बी प्लस थीटा ए की वैल्यू जीरो, डेल्टा की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्या करते हैं, क्लोज कर, ये सब कट गया। इसको और अच्छे से लिख रहे हैं, 18 प्लस 2 बाई 3 ei थीटा। किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ बेटा अभी यहाँ तक, बहुत सिंपल चल रही है ना। ये तो 1 बाई 3 अंदर का 2 भी तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। एम बी सी की बेटा अपने आप लिखने की कोशिश करोगे, एम बी सी की मुझे बताओ। बोलते चलो ना, माइनस का 16 प्लस 2 ई आई अपॉन 4 अपॉन 4 टू थीटा बी प्लस थीटा सी, क्यों, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू जीरो। यहाँ पर ना थीटा बी की वैल्यू जीरो हो सकती है ना थीटा सी की वैल्यू, है ना, दोनों की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिख लो आप अपनी तरफ से, है ना। ये जैसे कि ये 1/2 हो गया, इसको यही लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा माइनस 16 प्लस ई आई थीटा बी प्लस 1/2 ई आई थीटा सी। किसी को तकलीफ नहीं है, एक बार सॉल्व करके खुद देख लो, हो सकता है तुम्हारा कुछ अलग आ रहा हो, नहीं आ रहा ना। मेरा सॉल्यूशन मत देखो, खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मैंने अगर गलती कर दी तो गलत थोड़ी ना उतार लोगे। अब अगली कौन सी लिखनी है हमें, एम बी सी हो गया, आप क्या लिखेंगे, एम सी डी सी बी, सॉरी बॉम्बे तक तो पहुंचो, सी से बी तक तो पहुंचो, ठीक है। एम सी बी, एम सी बी की भी क्या रहेगी, एम एफ सी बी कितना है, प्लस का 16 प्लस का 16 प्लस 2 ई आई बाई 4 ब्रैकेट में 2 थीटा सी प्लस थीटा बी। इसको बेटा लिखे जरा और ओपन करके फिर दोबारा से वैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, तो तुम लोग खुद तरीके से सॉल्व करते चलना। जरा देखो एक बार कैसे करके रोटी राइटिंग अजीब सी आती है, लेकिन देख प्लस का 16। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थीटा बी को ही पहले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, थीटा सी को बाद में सॉल्व कर रहा हूँ। फायदे के हिसाब से तो मैं ऐसे लिखता ना, ई आई बाई 2 तो ई आई थीटा सी पहले लिखता, फिर 1/2 ई आई थीटा बी बाद में लिखता, लेकिन बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो अपन बी पहले लिख रहे हैं सी बाद में लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा दिखता रहा इक्वेशन, हमेशा पहले बी देखे बाद में सी देखे, सिंपल वाइज समझ आ रहा ना। जी सर, फिर सी डी, सी डी एम एफ सी डी कितना है, माइनस का 7.2 प्लस 2 ई आई बाई एल की वैल्यू कितनी बेटा, 5 2 प्लस 3 5 है ना, 5 2 थीटा सी प्लस थीटा डी, हाँ वो कितना है 0, क्योंकि थीटा डी की वैल्यू कितनी है 0 आ रहा है समझ, मतलब बेइज्जती नहीं कराओगे तुम, मत करा। इसको और सॉल्व आउट करके लिखा, माइनस का 7.2 प्लस का 4/5 ई आई थीटा सी, आया ना सिंपल है, दिखाई दे रहा है ना सबको। यस सर, एक और नीचे दिखाई देगा आएगा आखिरी वाला, एम डी सी, एम डी सी कितना हो जाएगा डायरेक्टली बताओ, 4.8 प्लस 2 ई आई बाई 5 2 थीटा D प्लस थीटा C, तो सिर्फ बचेगा थीटा
है ना। समझ में आ गया इसको सॉल्व आउट क्या करेंगे, तो सॉल्व आउट करेंगे है ना सारी चीजें। अब हम फिर दोबारा, अरे यार वो बिगाड़नी नहीं चाहिए थी, वो मतलब बनाई बहुत ज्यादा पड़ी दी थी, तो बिगाड़ने की जरूरत थी। अब उससे तो मैं समझ में आएगा कि किस तरह से अभी तक अपन ने क्या चीज देखी, टेबल से स्लोप देख लिया, स्लोप कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है। अब अपन टेबल से क्या चीज देखेंगे कि मूवमेंट कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है, ठीक है। जहां जहां पर वो अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं लगा रहा है वहां वहां पर मूवमेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो रोलर सब ये बी वाले सपोर्ट पर क्या होनी चाहिए मूवमेंट की वैल्यू, जीरो। और सी वाले सपोर्ट पर मूवमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। ठीक है समझ में आ रहा, लिखे इसको बिगाड़ दो। मिटोल दो, वेरी गुड। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और लगेगी फिर हो जाएगा, इन टोटल क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। छोटा ही है बहुत, नहीं बस हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन। हाँ बहुत छोटा है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सर हमें दो सपोर्ट मालूम पड़ गए हैं, कौन कौन से, एक तो बी सपोर्ट और एक सी सपोर्ट। इन दोनों पर जो मूवमेंट है एम बी और एम सी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो बी से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं, बी ए और बी से शुरू होने वाले हैं सर, बी ए है और बी सी है, ये दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो। ऐसे सी की बात करें तो सी से शुरू होने वाला सी बी और सी सी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलके, जीरो। समझ में आ रही ना बात। तो सबसे पहले आ जाओ दोबारा बी ए और बी सी को देखो, वहां पर लिखे हुए हमने बी ए और बी सी। बी ए कितना लिखा हुआ है, 18 प्लस, वैल्यू बताओ ना पूरी पूरी, 18 प्लस 2 by 3 ei theta b, ये हमारा क्या है mba, mba। अब mbc बताओ, mbc 16 प्लस -16 प्लस ei theta b, ei theta b प्लस 1 by 2 ei। याद रखें बेटा, देखो ऐसा है सिंपल सी बात, अरे हाँ हाँ ये वाली बात तो लिखना बहुत जरूरी है, इक्वल टू जीरो। सारे के सारे मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो। अब बेटा देखो जो बच्चे ना कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे करते हैं, आलतू फालतू बहुत इजी वाली कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं देखो, सॉल्व आउट कैसे करते हैं चीज को, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जिसमें किसी भी तरह का कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, वो कौन कौन से नंबर है सर, वो 18 है और 16 है, तो सिर्फ यही दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 18 माइनस 16 कितना हो गया, वैल्यू तो सही लिखी है ना बेटा, अपन ने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी थी पहले, सही है सर। आगे बेटा फिर क्वेश्चन गड़ हो जाएगा, 18 और 16 ये दोनों हो गए सॉल्व, अभी इन्हें हटा, एक्चुअली मत काट देना दिमाग में, काटना ठीक है, एक्चुअली मत काटना ठीक है। टू, अच्छा थीटा बी किसके साथ है, अगर अगर नहीं आता है तो देखो 2 by 3 + 1/1 ये लेते LCM, ठीक है आता है मेरे को, गया है ना 5 by 3 यही थीटा बचा क्या, ये इसीलिए ना मैं बचपन में मैं भी ऐसे करता था, जब मैं छोटा था ना तो मैं चीजें काटता चलता था, तो उससे ये समझ में आती थी, इक्वेशन में दिखाई देता था कि कौन कौन सी चीजें बच रही हैं, कौन कौन सी चीजें सॉल्व कर ली है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया है काट दिया, अब ये बचा थीटा सी का कोई भाई दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है कुछ नहीं है, तो प्लस 1 by 2 ई आई राइट साइड, ठीक है।
तो प्लस का टू राइट साइड में जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस का टू। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको ऐसे डिब्बा बनाओ और उसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, या जो भी तुम्हारा मन कर रहा हो उस हिसाब से इक्वेशन डालते रहना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अब हम किसको सॉल्व करेंगे? एमसीबी प्लस एमसीबी। एमसीबी कहाँ है? देख रहा है ना, 16 प्लस 2EI हमारा MCB हो गया। MCD का है? MCD देखो, ये छोटा सा लिखा हुआ है, माइनस का 7.2 प्लस 4 प्लस 4 by 5 is equals to क्या है पूरा? Zero. Is equals to पूरा का पूरा क्या है? Zero. समझ में आ रहा है ना? Hectic तो नहीं हो रहा? No sir. Easy है? Yes sir. अच्छा, अब वही है जो अकेले अकेले बंदे हैं वो है बेचारा 16 और माइनस 7.2। ये भी अकेला, ये भी अकेला, साथ में कोई नहीं इनका दोस्त। तो 16 माइनस 7.2 बताओ कितना होता है? 8.8। कितना होता है? 8.8। अपन गलती नहीं कर रहे ना, सारी वैल्यू सही है। यस सर। नहीं प्लस माइनस गलत तो नहीं जोड़ दिया? नो सर, सही कर रहे हैं। यस सर। चलो उम्मीद करते सही बता रहे हैं। प्लस, अच्छा ये दोनों हो गए ना, इन दोनों बटा। थीटा बी का कोई भाई बंधु है? नहीं। तो थीटा बी ऐसे लिख देते 1/2 EI थीटा बी। इसका भी काम करता। थीटा सी के भाई बंधु है? यस सर। इधर क्या है? 4/5। इधर 1 प्लस 4/5 कितना होता है? 9/5। किसी को परेशानी नहीं है? No. इक्वल टू किसके बराबर है ये? फिर मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट है इसको उठा के अपन कहाँ डाल देते हैं? राइट साइड में। तो प्लस का 8.8 कितना हो जाएगा? माइनस का 8.8। ये दूसरी क्वेश्चन, इसको लिख लो पहले। पानी नहीं किसी के पास? पानी की बोतल रख कर लिया हूं, बायोमेट्रिक भी लेते हैं, चले जाना और 10 मिनट का हो जाएगा। 10 मिनट तो क्वेश्चन सॉल्व पूरा हो गया, आपको बचा ही क्या है ना? कैलकुलेटर किसी के पास है तो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। थीटा बी और थीटा सी बताओ कितना आ रहा है? थीटा बी आ रहा है हमारा 1.972। सॉरी थीटा सी आ रहा है -10.575। अपॉन ई आई लगाना मत भूलना कभी, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू उसको लेके, है ना? कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, तुमने सही निकाली होंगी, गलती तो नहीं है कहीं? नहीं सर, कोई बात नहीं है। अगर कहीं पर गलती भी है दोबारा कैलकुलेशन कर लेना, क्वेश्चन अपने पास बहुत है, क्वेश्चन जितने मर्जी उतने करते चलो, जितनी प्रैक्टिस मर्जी उतनी प्रैक्टिस करते चलो। कितनी बार गलत होंगे? एक बार, दो बार है? सर आपने इसी क्वेश्चन में भाई बंधु थीटा सी के भाई बंधु के साथ जुड़ेगा, और थीटा बी का भाई बंधु थीटा बी के साथ जुड़ेगा, और जिसका कोई नहीं है वो अपने आप ही मतलब उसके साथ जुड़ेगा। दोबारा सॉल्व कर लो अश्वनी, यही आ रही है वैल्यू? कितनी आ रही है? थीटा बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.9। और थीटा सी का कितना आ रहा है? माइनस का 4.96। कोई बात नहीं बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, ठीक है? लेकिन बात ये कि जितना तुम इसको ना छोटा करने की कोशिश मत किया करो क्वेश्चन को, कि जल्दी 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 सॉल्व कर लेते हैं सब, यही यही पूरी पूरी वैल्यू। जितना तुम अपने हाथ से सॉल्व कर सकते हो ना, जितना उसको इजी बना सकते, जितना फैला सकते हो,
क्वेश्चन को उतना फैलाओ, ठीक है? क्वेश्चन तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। अपन खूब फैला फैला के चलते हैं ना, हर एक स्टेप लिखते हैं। जितने जितने स्टेप देखते चलोगे, जितने स्टेप स्किप करने की कोशिश करोगे, उतनी गलती ज्यादा करोगे, है ना? तो स्टेप सारे लिखने की कोशिश करो। थीटा बी और थीटा सी आप लोगों ने बढ़िया निकाला, है ना? अब कुछ भी नहीं करना, अब क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना रह गया पता है? मैं इसको रब कर दूं, ठीक है? क्योंकि इसकी इस वाली जरूरत पड़ने वाली है ना, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। जहां जहां पर भी हमें थीटा बी दिखाई दे रहा है वहां पर थीटा बी की वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां पर थीटा सी दिखाई दे रहा है वहां पर थीटा सी की वैल्यू पुट करनी है। सिंपल है, शुरू से शुरू करें। सबसे पहले हमें दिख रहा है एम ए बी माइनस का 18 प्लस 1/3। अच्छा इसको एक काम करो ना, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे रहने दो। ये ई आई थीटा भी है और ये भी ई आई डायरेक्टली ई आई थीटा बी आई थीटा सी की वैल्यू, ई आई आई कैंसिल हो जाएगा, उसका वैल्यू है डायरेक्टली, है ना? सही लिखा हुआ ना, 1/3 ई आई थीटा बी की वैल्यू कितनी है? 0.29। आ रहा है ना समझ में? सिंपल है, वैल्यू बताओ कितनी आई? सर ये स्टेप थर्ड हो गया ना, ये स्टेप थर्ड हो गया ना। हाँ ये क्या है, कैलकुलेशन हो रही है हमारे फाइनल जो एंड मूवमेंट है उनकी कैलकुलेशन हो रही है। ये है हमारे एंड मूवमेंट्स, क्या है एंड मूवमेंट्स। अरे एक ही बात है, टेंशन वाली बात नहीं, बता रहा हूँ। हाँ ठीक अमन आ रहा है ना? यस सर। नहीं आ रहा? यस सर। सही? यस सर। आ जाएगा ना समझ में क्वेश्चन, आएगा कर लेगा ना। -17.903 ये कितना आ रहा है? ये भी देख लो बेटा, ये सही लिखी है कि नहीं लिखी? 18 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई ई आई थीटा बी, ई थीटा बी की वैल्यू 0.29। 18.1 समथिंग आएगा, 0.5 थोड़ी बड़ी है तो कैसे आएगी? माइनस का 16 प्लस ई आई थीटा बी, पूरा का पूरा ई आई थीटा बी कितना है? 0.29 प्लस प्लस 1/2 ई आई थीटा सी, प्लस 1/2 ई आई थीटा सी बेटा माइनस में, माइनस का 4.96। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है? 1.96। अगर आज के लेक्चर के बाद भी नहीं करे ना स्लोप डिफ्लेक्शन तो समझ लो बेटा कि बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। -18.19 अरे जानबूझ के नहीं करना, नहीं है ठीक है ना? -18.22 दोबारा कर लो। अरे गंदगी मत करो, कचरा मत करो, जिम में रखा करो अपना कचरा और फिर उसके बाद डस्टबिन में डाल दिया करो, कोई मिला करे तो। एम सी बी 16 प्लस क्या 1/2 ऑफ थीटा ई आई थीटा बी यानी कि 0.29 प्लस ई आई थीटा सी जो कितना है? माइनस का 4.96।
देखो इस तरह से ना, देखो मैं जो भी चीज आती है ना उसको ब्रैकेट में लिखता चलता हूँ. क्यों लिखता चलता हूँ? मैं हमेशा ना जो वैल्यू है ना बेटा उसको ब्रैकेट में लिखता चलता हूँ. ब्रैकेट में लिखने चलने का फायदा क्या है? अगर मैं डायरेक्टली बाहर लिखूंगा ना तो हो सकता है ये प्लस और माइनस में कहीं मैं गलती कर जाऊँ. ब्रैकेट के अंदर रहेगी तो मुझे याद रहेगा कि बाहर प्लस था अंदर माइनस था. कभी कभी हम क्वेश्चन के फॉर्मूले में इस चक्कर में गलती कर देते हैं कि थीटा सी हमारा, जैसे कि सोचा अभी हमने क्या आया कि थीटा सी माइनस आ रहा है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ कहीं नहीं बन जाए कि जो फॉर्मूला था उसमें माइनस ही था. समझ में आ रहा है ना? तो उस तरीके की मिस्टेक से बचाता है. तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि फॉर्मूला तो प्लस कह रहा है लेकिन वैल्यू माइनस आ रही है. बताओ कितना आ रहा है? माइनस का 7.2 दिखाई दे रहा है ना? यस सर. प्लस 4/3, 4/5 प्लस 4/5 ए आई थीटा सी कितना है? माइनस का 4.9. इसको सॉल्व आउट करो. माइनस 11 ही आएगा. देखो देखो माइनस का 11 पॉइंट 4.6. ठीक है. और आखिरी एम डी सी. एम डी सी कितना है? समझ में आ रहा? टेंशन नहीं, डायरेक्टली लिखती है. प्लस 4.8 2/5 ऑफ माइनस का 4.9. जल्दी बता दो. अब बेटा ये देखो, हमारा बी वाले पर जीरो होना था ना, बी वाले पर जीरो होना था. तो ये देखो बी ए और बी सी ना अपने आप हमारा वैल्यू जो है बराबर आए. एक माइनस और पॉजिटिव, बस एक प्लस और एक माइनस. ऐसे सेम टू सेम सी बी और सी डी भी बराबर आना था. सी बी और सी डी भी बराबर आना था. ये दोनों बराबर क्यों नहीं आई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो कैलकुलेशन थी, जैसे कि हमारा थीटा कितना चल रहा है, थीटा तो बहुत सारे आगे तक चल रहा है ना, 0.2936811 है ना, बहुत सारे आगे पॉइंट जा रहे हैं, इधर ही बहुत सारे आगे पॉइंट जा रहे हैं. अगर अपन जितना आगे का वो डिजिट लेते हैं उतना ही हमारा एग्जैक्ट आंसर है. ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ आ रही है, अभी झेल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं झेलेगा. ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट लेंगे. कम से कम 3 पॉइंट लेना थीटा के. थीटा के कम से कम कितने पॉइंट लेने हैं? 3 पॉइंट. उससे ज़्यादा एक मिनट आएगा. ठीक है, सारे के सारे मूवमेंट की वैल्यू निकल आई. अब हम क्या करते हैं? आखिरी चीज़, अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म हो गया. अब क्या बचा है इसमें? बेंडिंग मूवमेंट. जरा बेटा हम क्रिएट करते हैं ना इसका बेंडिंग. एनालिसिस का क्या मकसद है? एनालिसिस का मकसद क्या है? इन टोटल क्या बनाना? बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट. एनालिसिस वाले हमेशा क्या बनाते हैं? बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, ये बीम है, ए एन बी माइनस का 17.903. माइनस का मतलब
माइनस का मतलब अगर मोमेंट नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा है। और बीए पर कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। ऐसे ही बीम बीसी के बारे में देखें तो बीसी कितना है, एंटी क्लॉकवाइज, और सीबी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो बेटा हम एक बहुत छोटी सी चीज सोचते हैं क्या, कि हमारी जो बीम है वो सैग कर रही है या हॉग। याद है बचपन में पढ़ा था, सेक्शन 1 में पढ़ा था ना, सैगिंग और हॉगिंग। सैगिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारी बीम जो है नीचे की तरफ लटकने लगी, फोर्स लगाने की वजह से जो बीम है वो नीचे की तरफ जब जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सैगिंग। जैसे कि इस टाइम पे, जैसे कि ये बीम है, इसको बंद करके ढंग से देख लेते हैं, बहुत मोटी मोटी बीम है तुम्हारे पास, जैसे ये बीम है, ये पतली बीम है ना, तो जब ये ऐसे पकड़ा हुआ हूँ तो ये कैसी है, अभी नीचे लटकने लगी, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना, ग्रेविटी